सकते हैं कि लगातार चौथी बार पैक्स अध्यक्ष पद पे विराजमान हो चुके हैं भवन यादव जी, लगातार जनता का प्यार समर्थन मिलते नजर आ रहा है और कल जो चुनाव हुआ वोटिंग गिरा उसमें सबसे अव्वल रहे और कहीं ना कहीं हमारे साथ जो जनता जुड़ी है काफी आशीर्वाद काफी प्यार काफी स्नेह दे रही है। और हम बात करेंगे भवन कुमार यादव जी जो लगातार समर्थन के साथ वोट चुनाव में जीत चुके हैं और पैक्स अध्यक्ष पद में जो इन्होंने वादा किया जनता का वो कहीं ना कहीं दिखाई देता नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रामीण जनता और यहाँ के निवासी। और सबसे पहले तो जीत की बधाई और शुभकामनाएं हो सर, लगातार चौथी बार आप चुनाव जीते हुए हैं, आपके चैनल को भी बधाई हो। हम जब चुनाव मैदान में आप उतरे थे तो सर्वे कर रहे थे तो आपसे हम इंटरव्यू लेने भी आए जी, जी। और उस दिन काफी जनता आपको समर्थन में आई और सबने कहा कि इस बार भी चुनाव मैदान में भवन यादव जी जीतेंगे क्योंकि जनता के समक्ष काम करते नजर आते हैं, किसानों के हित में काम करते हैं। जो पैक्स अध्यक्ष का ये मायने होता है उन्होंने आपने किया सबसे पहले तो आपको बधाई हो, कल आप पूरी रात जागे हैं तो क्या कुछ कहेंगे जनता से? बस वही कहेंगे जो शुरू से हम जनता की सेवा किए हैं और जब तक हम जिएंगे तब तक जनता की सेवा करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया और सच टीवी न्यूज, मैं हूं मंजीत। इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है सिवान जिला के औराई पंचायत में। आपको बता दें कि औराई पंचायत में कल यहां पे वोटिंग गिरा। आपको बता दें कि यहां पे कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हुए थे, यहां पे चुनाव हो रहा था पैक्स अध्यक्ष पद का, उसमें सबसे अव्वल रहे हमारे साथ जो विराजमान हो चुके हैं जो आ चुके हैं जिनका नाम है भवन कुमार यादव जी जो वाकई में लगातार जनता के संपर्क में रहे, जनता से उम्मीद जताई और जनता ने भारी मतों से विजयी बना चुके हैं और समक्ष जनता के साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि लगातार ये चौथी बार चुनाव मैदान में उतर कर और चुनाव जीत चुके हैं। ये यहाँ पे डीलर भी है और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनका नाम काफी दर्ज हो चुका है कई सालों से। ये लगातार चौथी बार पैक्स अध्यक्ष पद पे चुनाव जीतकर जनता का ऐतिहासिक मूवमेंट बना दिया है। यहाँ पे चार लोग चुनाव मैदान में उतरे थे और चारों ने कई वादे किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा बात करेंगे कि इन्होंने जो वादे किए जो उन प्रेरणादायक अपनी बातों को रखा जनता के बीच, जनता ने इनके विश्वास को खड़ा किया और चुनाव मैदान में उतार दिया। सबसे बड़ी बात है कि हम जनता से पूछते हैं रोला विश्वास रोला कि यहाँ चुनाव जीते हैं, अब क्या मांग करते हैं? किसानी बनी लो यहाँ के चुनाव जीत चुकल बनी, अब क्या मांग करते नहीं लो? हमनी के गृहत हई सन, किसान हई सन, हमनी के जन मांग बा तन पूरा हमनी के चाही। हाँ पूरा चाहिए। हाँ क्या मांग बा किसान के? अब तो नहीं खाए खेती बाड़ी में सपोर्ट होगा। हाँ हाँ बहुत सारा योजना जो सरकार से मिलता है लोन वोन या जो धान के जो भी खरीदारी। हाँ तो हमने सब चाहिए तो बताइए क्या कहेंगे? चुनाव मैदान में लगातार चौथी बार चुनाव जीत चुके हैं, आशीर्वाद रहा आप लोग का? बहुत आशीर्वाद है, सब चीज ठीक है। क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि चार बार चुनाव जीत चुके हैं, उनके पास छवि अच्छा है, काम करते हैं, आगे भी और भी इनको प्रेरणादायक आगे तो उससे आगे बढ़ाया जाए उनको। चलिए हम कहेंगे एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं सर, क्या कुछ कहेंगे? भवन कुमार यादव जी लगातार चौथी बार चुनाव जीते, ये बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है, जिस तरह से लगातार जनता का प्यार इनको मिल रहा है, आने वाले समय में और भी बड़ा लड़ाई लड़ने की समीक्षा रखते हैं कि आप ही लोगों के समर्थन से आप लोगों का प्यार से क्या आशीर्वाद आप लोगों को मिला? हमारा आशीर्वाद बराबर रहेगा, जीते हैं और जीतते रहेंगे। मुखिया भी रह चुके हैं, पैक्स अध्यक्ष भी हैं, अभी प्रोजेक्ट में कल लड़ाई में जीते भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पंचायत स्तर पर, तभी ना जीते हैं। मान लीजिए काम नहीं किए होते तो कहाँ से जीतते? कोई सवाल ही नहीं था। बहुत लोग बोल रहे थे सर आपके, सबसे पहले तो आपको बधाई हो शुभकामनाएं हो सर और बहुत बहुत जनता के समक्ष आपको प्यार मिला, जनता ने जो वादे आपके साथ किए वो दिखा दिए, आपने भी जो वादे किया होगा वो सही जनता के साथ दिखेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई हो, क्या कुछ कहेंगे सर आज? हम यही कहेंगे जो शुरू से जनता का आशीर्वाद मिला है और मैं भविष्य में कामना करता हूँ कि जनता का आशीर्वाद मिलते रहेगा। एक सवाल है सर, आपको लेकर चार आदमी चुनाव मैदान में उतरे थे, हमने चारों का इंटरव्यू लिया, सबसे पहले आपका इंटरव्यू लिया और सबसे आपका मतलब व्यू भी जाया गया, लोग काफी कमेंट भी किए हैं, जैसे गौराई से मोहम्मदपुर से और भी कई क्षेत्र से लोग आपको समर्थन दिए। सबसे बड़ी बात है कि लोग कह रहे थे कि आपने विकास नहीं किया,
तीन सालों में, चार साल में, पांच साल में तीन मरतबा रह चुके हैं, अपने को विकास नहीं किया। लेकिन विकास अगर नहीं किया तो जनता आपको समर्थन नहीं देती, और जनता आपको समर्थन देकर चुनाव मैदान में जुटा चुकी है, और बड़ा मूवमेंट है ये जी। हम लोग कहते हैं, विरोधी दल तो जो भी हो कहवे करेगा, लेकिन आज हम काम नहीं किए होते, जनता को खुश नहीं रखते, तो हमें जनता आशीर्वाद दे के मुझे खुश नहीं करता। सुनने में सर एक अटकले आ रही है कि आप आने वाले समय में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं क्षेत्र में, या कुछ बड़ा लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये सब आशीर्वाद है जनता की, जनता का आशीर्वाद रहेगा तो भविष्य में देखेंगे, जैसी जनता का आशीर्वाद मिलेगा मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब आपका सर चुनाव तो जीत चुके हैं, कल आपने लगातार भ्रमण भी किया, जनता के बीच गए, अभी भी जाएंगे आप, लगातार निकलेंगे, अब जनता से बीच में क्या कुछ नया लेके आएंगे, क्योंकि किसान भाई जो है काफी आपसे उम्मीद लगा चुके हैं, अब चाहते हैं कुछ बेहतर और भी काम होते, बेहतर होगा। जो गोदाम का समस्या था, हम इस बार गोदाम बनवा देंगे, और जो खाद का लाइसेंस चल रहा है, जो देखिए इन्होंने वादा कर दिया, चुनाव जीतते ही इन्होंने ऐलान कर दिया कि जो इस पंचायत में जो अधूरा काम है किसानों के लिए वो काम करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने गोदाम बनाने का आपने निर्णय लिया, और अब बनाएंगे जी गोदाम बनाएंगे, और तुरंत हम खाद का लाइसेंस लेने जा रहे हैं, जिस प्रक्रिया से मिले हम खाद का लाइसेंस लेकर, खाद की समस्या है जनता का मैं उसे दूर कर दूंगा। किसानों भाई के लिए जो खेती चल रहा है अभी, मतलब गेहूं का बुआई होगा उसमें क्या, मैं प्रयास करूंगा जो जितना से जितना जल्द हो लाइसेंस मैं ले लूं, और जनता के बीच खाद पहुंचाने का काम करूं। चलिए देखिये इन्होंने कहा दिया, जल्द से जल्द इन्होंने लाइसेंस का वादा किया, और लाइसेंस लेते ही जनता के बीच में, ये किसान के बीच में वो रबी की फसल का जो भी खाद बीज है वो वितरण करेंगे। एक व्यक्ति और जुड़े हुए, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा बड़ेलाल यादव। बड़ेलाल जी क्या कहेंगे, आज चुनाव जीत चुके हैं चौथी बार, ऐसे पंचायत में लग रहा पहली बार हुआ ऐसा? ये पहली बार नहीं है, हर एक बार होता है, हर एक बार मुखिया जी जीतते हैं, इस बार फ्लेक्स में मुखिया भी रह चुके हैं। हाँ, इस बार फ्लेक्स में जीते हैं, डंका के चोट पर जीते हैं, हम लोग किसी से पीछे नहीं है, आगे ही जा रहे हैं, कभी नहीं हारते हैं। मतलब चार बूथ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इनको पिछाड़ सके, एकदम पक्का चार बूथ पर आगे ही चलते रहे। तो मान लीजिए ये मामूली बात नहीं ना है, आप लोग युवा है, कितना खुश हो रहे हैं, बहुत खुश एकदम बहुत। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बाबन जी, हरदम जनता के सेवा किए हैं, आगे भी करते रहेंगे, हम लोग यही पूरा उम्मीद है, भरोसा भी है, और जो भी काम करते हैं बाबन जी सोच बुझ कर करते हैं और अच्छे करते हैं। ये आपने एक बात कहा कि जो भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं, चुनाव मैदान में इनका नाम दर्ज रहा मुखिया के पद हेतु, मुखिया चुनाव में मैदान पहले जा चुके हैं, अभी जनता का समर्थन आप लोग लगातार मिल रहा है, तो उम्मीद है सर कि अब आने वाले समय में जनता और खुश नजर आएगी आपके माध्यम से, और भी बेहतर कुछ कर पाएगी। जी जी जितना से जितना होगा मैं प्रयास करूंगा और जनता के बीच खड़ा उतरूंगा, ताकि अगले बार कहने का मौका मैं नहीं दूंगा। कैसा लग रहा अभी भी आप आए हैं, कैसा मेरे को बहुत अच्छा और बढ़िया लगा है, आगे भी और कुछ इनको बड़ा मोमेंट दे सकते हैं आप लोग? बिल्कुल देंगे, हाँ इससे आगे बढ़ाने का हम लोगों का प्रयास है, इसलिए कि अभी प्रेजेंट में जो मुखिया हैं, मुखिया वो हैं, लेकिन कहीं हम लोगों को जरूरत पड़ता है तो बाबन मुखिया का फोन जाता है, तभी उस समस्या का समाधान बनता है। मतलब मुखिया कोई और है, और जब कोई समाधान करना होता है तो इनके होते हैं। देखिए एक बड़ा बात निकल के आ रहा है कि मुखिया कोई और है, लेकिन इस पंचायत की बात करेंगे, कई सालों से मुखिया जी का मतलब नाम दर्ज है, मुखिया पहले पद में नहीं है, अभी तो पैक्स अध्यक्ष पद में विराजमान हो चुके हैं, पहले पक्ष अध्यक्ष ही, लेकिन कोई भी अगर जनता का मुसीबत होता है, जो कार्य होता है, जनता इन्हीं के से दरवाजे आती है, इन्हीं से राजनीति में पूछ सकते हैं, कहीं पंचायत में जाकर पूछ सकते हैं कि कोई समस्या का, सुनने में आ रहा है कि विधानसभा लड़ाई लड़ेंगे, मालिक करेगी वो लड़ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल विधानसभा लड़ना ही है इनको, पूरा जनता हाँ हम लोग खुश है, हाँ और आगे बढ़ा, पूरा एक्टिव रहनी है, पूरा चुनाव में उतरनी है, खुशी होते पूरा, हमारा खुशी है कि आए, हाँ बेटा लगे, नाती लगे, क्या लगे, हमारे नाती हम, हाँ बहुत मतलब बुढ़वा लोग के आशीर्वाद बात यहाँ, हाँ और आशीर्वाद कितना दिन रहा कि चुनाव मैदान में विधायक बन जाए, हाँ विधायक बन जाए, वाह देख सकते हैं कि बूढ़े लोग का जो आशीर्वाद है कि आने वाले समय में जो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है जनता का वो इनके साथ दिख रहा है, और लगातार चौथी बार कोई चुनाव जीतना ये आम बात नहीं है, क्योंकि पैक्स सदस्य में मान लीजिए इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने दावे को कर रहे हैं, और बहुत कम लोग वोट उसमें देते हैं, बहुत लोगों का नाम नहीं होता उसमें, लेकिन जितना लोगों का नाम रहता है वो समझदारी से के साथ इनके साथ आए, और विश्वास के साथ
खड़ा हुए और चुनाव मैदान में इनको लगातार चौथी बार चुनाव जिताकर एक ऐतिहासिक मोमेंट कर दिया। जनता ने ये भी कहा कि जैसे ही हम लोग का कोई अगर मुसीबत होता है, कोई कार्य होता है या कोई भी समाज के लिए धार्मिक हो, नैतिकता हो या वैचारिकता हो, उस मुद्दे पे हम लोग भवन कुमार यादव से मुलाकात करते हैं और कहीं का समाधान का काम करते हैं। सर इतना इतना बड़ा आपके साथ विश्वास लेकर कोई जनता चल रहा है, उम्मीद क्या रखे है सर? हम तो वही कहेंगे ये शुरू से सेवा किए हैं और आगे भी भविष्य में सेवा करते रहेंगे। पूरा नाम बताइए। हमारा नाम बबन जादू। तो देखिए औराई पंचायत के बौरिया प्रखंड क्षेत्र के आने वाला क्षेत्र औराई पंचायत है, सिवान जिला है, बिहार राज्य है और वहां से चौथी बार पैक्स अध्यक्ष पद पर चुनाव जीत चुके हैं और कहीं ना कहीं जो उम्मीद जनता का कुछ वादे आप जो भी किए हैं जैसे किसान भाइयों के लिए या जो क्षेत्र के वासियों के लिए वो पूरा कर देंगे सर? हाँ। बहुत जल्दी प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उसको पूरा कर दो। चलिए बहुत धन्यवाद। कुछ आशीर्वाद के तौर पे और भी लोगों का आशीर्वाद मिला आपको? जी जी पूरे जनता के आशीर्वाद है, मेरे ही पंचायत नहीं बल्कि सारे क्षेत्र के लोगों की आशीर्वाद है ताकि मैं विजयी हुआ हूँ और इन लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं आगे भी विजयी हूँ। अभी मान लीजिए बहुत आदमी का नाम इसमें नहीं है, हाँ, वो अब जिनका नाम है बहुत लोग अभी प्रदेश देश विदेश कहीं रहे हैं, हाँ, फिर भी भारी मतों से ये विजयी हुए हैं, हाँ, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा बहुत लोग का नाम था लेकिन वो कहीं और थे, हाँ, और फिर भी भारी मतों विजयी हुआ है, हाँ, क्या बात है। मतलब पूरा समर्थन जनता मिली है? जनता मिली। चलिए जनता का समर्थन से जीते हैं जी, कुछ किए हैं तो जीते हैं, नहीं किए होते तो कहाँ से जीतते। तो हम चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप जिस तरह से वीडियो को प्यार दिए थे इसके पहले जिनका इंटरव्यू होता है यहीं दरवाजे पे और जनता के समक्ष में कई वादे किए और इन्हें वादे करते नजर आएंगे भी और हम उम्मीद करते हैं कि जनता का प्यार समर्थन लगातार इनको मिलता रहेगा और जो वे वादे किए हैं जनता से वो निष्ठापूर्वक निभाते नजर आएंगे और वादे करते हैं सर की निष्ठापूर्वक निभाएंगे। जी जी एकदम एकदम मैं खड़ा उतरूंगा, ये मेरा वादा रहा। वादा क्या बात क्या है, रात को भी फोन करेंगे 12 बजे तो वहाँ पर मुखिया जी हाजिर होते हैं हर एक शब्द। सर ये पवन जी जनता के बीच रहने वाले आदमी हैं, ये जनता में ही रहते हैं और इनका जो भी सोच है वो पॉजिटिव सोच है और आगे भी हम लोग चुनाव जीतेंगे और इस बार भी जीते हैं। तो देखिए कि इन्होंने कह दिया कि आगे भी चुनाव जीतेंगे, इस बार भी जीते हैं और लगातार जनता के संपर्क में रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने क्षेत्र का विकास हो और आपके गांव का और अपने क्षेत्र का एक उज्जवल भविष्य के तौर में इनका नाम दर्ज और हो और आप लोगों का आशीर्वाद प्यार इनको मिलता रहे। धन्यवाद। बब्बन भैया मत घबराना, बब्बन भैया मत घबराना। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव जीतते ही जनता के संपर्क में आता नजर आ रहा है और जो इन्होंने वादा किया, जो संपर्क दिया वो जनता से मिलते नजर आएंगे और हम चाहेंगे कि आप लगातार वीडियो देखें, शेयर करें और अपने चैनल पे प्यार दे, सने दे। एक बात कहना चाहिए।